हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में आपको मैनपुरी के जो भी नुमाइश है उसमें कौन कौन सा झूला लगा हुआ है वो आपको हम एक्सप्लोर करेंगे, यानी आपको दिखाएंगे बच्चों के लिए कौन सा झूला लगा हुआ है और बड़ों के लिए कौन सा झूला लगा हुआ है। इस बार नए नए झूले भी आए हैं तो वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इधर है ड्रैगन ट्रेन, पीछे आप देख सकते हो ड्रैगन ट्रेन। इसका आनंद लेने के लिए आपको रात में आना पड़ेगा क्योंकि ये रात में ही चलते हैं। अभी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि ये कैसी है। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और आपको हम दिखाएंगे कि ये अंदर से कैसा लगता है और रात का जो नज़ारा होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये पटरी डली हुई है, रात में इसी पे ट्रेन चलती है और कंडक्टर साहब वो वहाँ पे इसको मैनेज करते हैं। वो अंदर देखिए, आपको बॉक्स दिख रहा होगा, वहाँ से मैनेज करते हैं इस चीज़ को। तो आपको हम दिखाएंगे इसमें, देखिए यहाँ पे डब्बे भी बहुत ही अच्छे हैं और आनंद तो बहुत ही आता है। और इधर है हर्ष जी, हमारे साथ आए हैं घूमने के लिए, और भी लोग हैं उनको भी आपको मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खड़ा है जनरेटर, इसी से ट्रेन चलती है ये वाली। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं ब्रेक डांस पे, ब्रेक डांस करने के लिए। तो यहाँ से होती है हमारी गेट की एंट्री और आपको आगे से, सॉरी गलती हो गई, अरे वो पीछे साइड नहीं है, वैसे वहाँ से भी एंट्री। जब आप रात में आओगे तो आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, जो भी टिकट है वो यहाँ से आप लीजिए। अभी नहीं, रुपए उसमें बढ़ा दिया जाते हैं इसलिए। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर, यहाँ से होती है, देखिए यहाँ पे आउट गेट लिखा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सभी लोग, ठीक है। और आप जो इसका आनंद लोगे वो रात में आनंद आएगा, दिन में वो मजा नहीं आता है क्योंकि दिन में ये बंद रहता है। और वहाँ पे मैडम जी स्वागत के लिए खड़ी है, तो सबसे पहले उनसे हम नमस्कार करते हैं। तो ये देखिए मैडम जी हैं, नमस्कार कर रही हैं, तो इनसे हमने नमस्कार कर लिया है। और जो फीलिंग यहाँ पे आती है भाई साहब, बैठ के दिखाइए थोड़ा सा हमको, अपना मोबाइल अपने रुपए पे बाहर निकाल के आइए पहले, उसके बाद यहाँ पे आपको आना है। कंडक्टर साहब यहाँ से बैठते हैं, वो यहाँ से आते हैं, जितने भी रुपए होगी 6 राउंड मिलेंगे आपको झूलने के लिए इसके। तो अभी चलते हैं हम आसमानी झूला की तरफ और यहाँ पे देखिए आसमानी झूला यहाँ पे लगा हुआ है। इसका भी आपको आनंद लेने के लिए आपको रात को आना पड़ेगा क्योंकि दिल में सारे के सारे झूले बंद रहते हैं। आप अगर आना चाहते हो तो मैनपुरी की नुमाइश में आपका स्वागत है, आप हमारी नुमाइश देखने के लिए आइए और जो फीलिंग है वो फीलिंग लीजिए यहाँ पर आकर। तो देखिए यहाँ पे पीछे हमारे है आसमानी झूला और पीछे है हमारे नवैया, इसका भी फीलिंग लेने के लिए आपको रात को आना पड़ेगा। और ये पता नहीं कौन सा झूला है भाई, भाई लोग बताइए इस झूला को कौन सा है ये। अच्छा बताया था भाई ने, चलो हम देखते हैं, अभी पढ़ के देखते हैं इसमें लिखा है कुछ। हम आपको रात को भी नुमाइश दिखाएंगे कि रात में ये कैसी लगती है। तो पीछे और भी यहाँ पे देखिए, ये नया झूला आया है, पहली बार आया है हमारे मैनपुरी में, ये वाला पहली बार आया है। और आगे मोहतक कुआ है और बहुत सारे ऐसे झूले हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ लोग आगे चले गए हैं तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं और चलते हैं उनके साथ घर पर, नहीं अंदर नुमाइश दिखाएंगे आपको कि नुमाइश अंदर कैसी लगी हुई है। और यहाँ पे ये लोग मौज मस्ती काट रहे हैं और अभी इसको झूलेंगे हम लोग, ठीक है, झूलेंगे। उसके बाद जा रहे हैं अंदर देखने के लिए नुमाइश कैसी लगी है। और आपको बता दूँ यहाँ पर एशियन सर्कस भी आया है, उसको भी आपको दिखाएंगे कि वो कैसा है। तो अब देखिए इधर जो हम लोग दिखा दिए हैं, अब चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं। क्यों सही बोला ना, आ गए देखिए सभी लोग, राइट। आप लोग हमारी ये निवास देखने के लिए रात को आना, ठीक है, दिन में इतना फीलिंग नहीं आता है। अगर आपको देवी माँ के दर्शन करने हैं तो आप दिन में आना, बिल्कुल। आप अगर निवास देखने आते हो तो आपको रात को आना पड़ेगा जी, बिल्कुल। 6 बजे सारे झूले चालू हो जाते हैं तो आप 6 बजे आ सकते हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत देर तक घूमने के बाद फिर सोचा क्यों ना एक रेस्ट लिया जाए, तो अभी रेस्ट ले रहे हैं सभी लोग, देखिए बैठे हैं बिल्कुल, सब अपने अपने फ़ोन में घुस गए हैं। ये रवि भाई बिल्कुल देखिए, और ये कोई ऐसा सिंगल बंदा केवल हंसल पाजी को छोड़कर और अभिषेक को और बाकी सब लगे डरे हुए हैं अपने अपने फ़ोन में, अमरदीप वो अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। देखिए कोई तो ऐसी चीज़ थी जो इन्हें उनकी ओर आकर्षित कर रही थी लेकिन रोक लिया फिर हमने, सोचा कहीं नहीं है जहाँ से कह रहा वैल पिटे हैं और कचना है, गलत बात। Thank you.
देखिए दोस्तों, इसमें पांडा ने 10 रुपया अपने दांव पर लगा दिए, 10 से 20 करना चाहता है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल लेन देन हो गया है, पांडा फेंक रिया है। मैं भी बिल्कुल पांडा 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 भी कर सकता है, पांडा अरे तेरे ले 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 यार। तो आप ट्राई करेंगे ध्यानशंकर भाई, देखते हैं ये डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। वो तो नहीं लगता डाल पाएंगे, तो देखते हैं भाई। ध्यानशंकर भाई एक बार हाँ जल्दी से, हाँ भाई डालो भाई ने ट्राई किया भाई ने, हाँ भाई हाँ भाई तो भैया जी सब लग गई है, ड्यू ड्यू बिल्कुल ड्यू मिलेगी अगर हम वो सामने आपको दिख रहा है नीचे ग्रीन कलर का, उसको भरना पड़ेगा। ठीक है चलो, 5 लाख मारने हैं, 15 रुपये मारेंगे। चलो भाई ध्यानशंकर भाई रेडी हो गए, ड्यू को सवाल है, डीयू के सवाल है भाई, डीयू के सवाल कौन से बता रहे नीचे वो ग्रीन, नीचे ग्रीन, हाँ नीचे ग्रीन वालो, ग्रीन वालो पांडे पांडे डीयू के सवाल है पांडे। भैया जी यूट्यूब के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, बताओ भाई। बहुत अच्छा है आज के जीवन में यूट्यूब और सोशल मीडिया से ही लोगों को जुड़ना चाहिए, युवा लोग बहुत परेशान है, ये एक बिजनेस का धंधा है। बिल्कुल है बिल्कुल है, सरकारी हम भी बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक नौकरी पर 10,000 बंदे लड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये सर्कस आया है ग्रेट एशियन सर्कस, तो रात में आइएगा और देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए बिल्कुल यार, ये देखिए एकदम, हम आपको दिखा देंगे क्लोज करके, थोड़ा इसका भी ऐड करने बेचारे का। ये देखिए अभी बंद है, देखिए दिन में सब कुछ बंद है, आप भी हम लोग रात में आएंगे देखने के लिए। और ये देखिए, ये जो शो चलता है डेली 3 से 6 बजे और 9 बजे से रात्रि 11 बजे, ये सब देखने को मिलेगा यार, रात में आइएगा। अभी तो दिन में बंद है, रात में चलता है। तो पांडे को मिलेगी सॉफ्टी और पांडे इसको खाने वाला है। ओ भाई इतना अश्लील तरीके से खा रहा है भाई। और रही भाई को मिली, आप दीपू की बारी है, अमरदीप हमारे मासाव मासाव। अच्छा जी ठीक है जी भाई। ओ भाई अच्छी लगी है आइसक्रीम, अरे मजा आएगा भाई। दीपू आप बताइए, हमने तो तुम तो ताई थी, हम तो आइसक्रीम ही गए। तो भैया जी हम दिवाई दे दे रहे, हाँ भैया जी मैं आऊं और कुछ ना खाऊं ये हो नहीं सकता, लेकिन इसी को खा। अभिषेक हाँ भाई कैसी लगी? मस्त। पांडे बता यार, बताइए ना बता, हमारा बताइए बताइए। तो भैया जी सॉफ्टी का आनंद ले रहे हैं और हम इसको खाते नहीं है, तो हम नहीं खा रहे। देखो गौर से देखो इस चेहरे को, मासूम का चेहरा दिखने वाला। पांडे क्या कह रहे हो बताओ? जब हमारी उम्र 20 साल हो जाएगी ना, तो अपनी माँ का फोटो यहाँ पर बनवाएंगे। अभी कितनी है उम्र? अभी तो 18 प्लस है। कितनी प्लस है? 1.5 साल की बात है। हाँ ठीक आएंगे फिर। Thank you.
कुछ बोलना चाहेंगे अंदुल भैया? तो अभी बारी है, सबकी बारी है, एक एक करके सबकी नंबर आएगा, ठीक है? सब लोग पियो आराम से, जियो। और तो अंदुल भैया बहुत ही ज्यादा स्लो ड्यू पीते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि ये चाय की नामा भी नहीं, बहुत ही ज्यादा स्लो पीते हैं। चाय भी लोग बाग 10-5 मिनट में खत्म करते थे, लेकिन ये आध घंटे में खत्म करते हैं। और अंदुल भैया और ठंडे की पूछ रही है लड़के से, और चाहिए बता देना। हाँ, हमारे यहाँ दो प्रकार का खाजा मिलता है, एक हमारे यहाँ स्पेशल खोए वाला मिलता है, ये वाला है 240 का 1 kg। हाँ, ये 1 kg पे 2 पीस चढ़ते हैं। और ये वाला है हमारा चीनी वाला, हाँ इसमें दूध भी मिक्स होता है, ये 120 का 1 kg है, इस पर 1 kg पे 2 चढ़ते हैं। और ये हमारा नमकीन वाला है, ये एकदम ताज़ा मिलता है, इसमें काला नाम का अजवाइन डली होती है, ये 50 रुपये का 1 पीस है। और ये हमारे पुरानी दाव की दुकान है, 60 साल पुरानी, पप्पू यादव की दुकान है। हमारे यहाँ ताज़ा उच्च रेट में खजला मिलता है, एकदम बढ़िया। हाँ ले जाना, एकदम बढ़िया मिलेगा ताज़ा। ये हमारा छोटा भाई है, ये सारे परिवार के लोग हैं। 1 kg ये वाला। तो दोस्तों अभी ब्लॉग खत्म होने पे आ गया, और देखिए हम लोग लास्ट पॉइंट रह गया, ये जो मैनपुरी में कचहरी की मसूर टिक्की खा रहे हैं, ये देखिए सभी खाने में लगे हैं, बिल्कुल भुखिया गए हैं ये लोग। देखिए कितनी अब से कितनी बुरी बात खाने में लगा है, ऐसे गलत बात है यार, इतनी स्वीट से ये देखिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।